और प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है और दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने हुबली में एक जनसभा की। संदेश खाली से लेकर टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर भी प्रधानमंत्री इस संबोधन के दौरान तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। हालांकि शाम के वक्त राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की शिष्टाचार मुलाकात भी हुई। इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत दोनों के बीच हुई, कितनी अहम ये बैठक रही, देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार शाम राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने पश्चिम बंगाल के बकाए का मुद्दा उठाया। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 1,18,000 करोड़ रुपए बकाया है। सीएम ममता ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनके कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले शुक्रवार को हुगली के आरामबाग में मोदी ने टीएमसी को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान संदेश खाली का मुद्दा भी उठाया। माँ माटी मानुष ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। अरे शर्म आनी चाहिए, इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर देने उन 3 बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। आज सुबह पीएम मोदी 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नादिया जाएंगे। नादिया के कृष्णा नगर में 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।